आपने जुल्म किया है महाराज, उस तेरे पटके और कटार ने मेरे को फांसी तक पहुंचा दिया है। तू ऐसी पतिव्रता, अगर ऐसी ऐसी पतिव्रता हुई तो सब राजपूत मारे जाएंगे। महाराज मैं सच कहती हूँ महाराज, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है सेंदी बासी से जो आपकी जिद पे दाग लगे। बांदी से पूछ, बांदी से पूछ लीजिए, बांदी पूछो। बोली महाराज, महल में कोई आया था जी? कौन आया था? आई थी आपकी बुआ। आई थी जी मेरी बुआ जी। फिर क्या जिक्रा था? यही जिक्रा था पटका कटार के बारे में। वो पटका कटार मांगती थी हाँ। अरे इसने दे दिया हाँ। तो भगवान जी महाराज, अरे तेरे 6 महीने की, 6 महीने की कहा था तने समझ के जिंदगी जिंदगी करो क्या? मेरा ऐसा दिल करता है जानू तेने कुछ इनाम दूं। अच्छा महाराज, ठीक है महाराज। अर्थ 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 पूरी कर बुरे और जिन के मारे बारे बजे मुझे फांसी होगी या खड़ी खड़ी काग उड़ा दे। हुजूर बादशाह सलामत। हाँ चाप सिंह आ गए। हाँ हुजूर मैं हाजिर हूँ। भाई ये शेर खान चढ़ा दो। चाप सिंह आ चुके हैं और इसको कल चढ़ा दो फांसी के तख्ते पे। सुनिए ऐसे कैसे फांसी तोड़ा जाएगा? क्यों? कल 12 बजे इसको फांसी तोड़ा जाएगा और आप जाइए शहर में ए? इसका मनोरंजन करवाएंगे। नाचना गाना, नाचने गाने वाली को बुला करके ले आइए आप। हाँ हाँ ठीक कहते हो, ये भी मरती दफे हाँ। तमाशा देख जाएगा बेचारा हाँ। अब प्रेमी सजनों, दरबार में नाचना गाना का हुक्म सुन करके चाप सिंह के मकान के पिछवा की तरफ नटली और कंजरियों के डेरे पड़े हुए थे। गाना बजाना करने वाली थी और वो दरबार में गाना करने के लिए चलती हैं। छत्राणी काब उड़ा रही है और उसके बरने आगे का रास्ता है, वो चली भी जा रही है, उनसे बात करती है। हाँ बहन जाने वाली, बोली आप कहाँ जाती हो? हाँ हम जाती है गाना बजाना करने के लिए। क्या बहन मैं आपके साथ चल सकती हूँ? आप पे आता है कुछ? कुछ आता है कुछ आपसे सीख लूंगी मैं। तो ठीक है, एक शर्त होगी। क्या? जो भी दरबार में नाम मांगा जाएगा वो मैं हम मांगेंगे। नहीं 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 देखो हो? इनाम तुम्हारा सबका होगा। अच्छा, लेकिन इनाम मैं मांगूंगी। चलो और अपने पास से भी दूंगी। अच्छा हाँ चलो चलो, और ये उतारो, ये उतार दो धोला पाना, मौज कर दूंगी थरी। हाँ कौन है? हाँ आप कौन? मेरे मुंह की तरफ लगाओ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। कितने बड़े आदमी हो? ये जो गांव बसा हुआ है मेरी जमीन में बसा हुआ है। आप क्या करते हो? और ये रेलगाड़ी मेरी है और ये रोडवेज गाड़ी मेरी है। अच्छा, ये इस गांव में जितने ट्रैक्टर हैं
मेरे नामे से ले रखे किस्त पर इन्होंने। लेकिन आप क्या करते हो श्रीमान जी? मैं खुद पन्नी चुगता हूँ। वाह 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 वाह, बोलिए क्या काम है? क्यों चुगता हूँ? क्यों? लोगों की नजर में नूना आ जाए, ये मांगेराम बहुत नामे का, कोई मेरा फरण ना कर। क्या बात है मांगेराम, आप काम बोलो क्या है? हमारी और चाप सिंह की शरत लगी हुई है, उस शरत में चाप सिंह हार गया और मैं जीत गया। आप कौन हो? इसलिए आपका गाना बजाना होएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेर का पठान। ओहो, बहन यही है वो। तो चलिए। तो बड़ी तो नहीं है, बड़ों के तड़े लटके हुए हैं। आई आई आई, दरबार में चलो। ओ ईसा अंगूर से। हाँ, अंगूर ही लटके भाई। हजूर शेर खान, ये तमाम मुजरा ही मुजरा है। ये मुजरा आ गया कलाकारों का? कलाकारों का मुजरा आ गया। और सुनो इनको, कोई अच्छा मुजरा पेश करवाए। हाँ, सुनो जी, मुजरा सुनो, क्योंकि ये हमारे बहुत ही, ये कहने लग रही, ये एक एक दफा मेरे कोठे पे आए, माल माल उठा करके लाते हो आप? हाँ, मैं आज लोग किसी का माल नहीं उठाया। एक दफा मेरे कोठे पे आए, गाना सुना, 5,000 रुपए नगद, एक जवरात का डब्बा लेके भाग गया। ये बहुत गलती करी शेर खान आपको। हजूर तौबा तौबा करो, इसी टाइम अपने मुंह पर 4 थप्पड़ लगाओ। तौबा मैं करूं? हाँ, ऐसी गुस्तागी मैं नहीं कर सकता। कसूरवार सच तो ये है, सच तो ये है। क्या? आज से पहले मैंने इस औरत की शकल तलक नहीं देखी। कुछ नहीं देखा? कुछ भी नहीं दिखाया। देखिए, अगर ये सच्चा मुसलमान है तो इसके हाथ में कुरान रखो और 5 पैर मक्खी की तरफ उठवाओ। भाई ये काम करना पड़ेगा शेर खान आपको। कितना वजन है जी? जितना तुम्हारे ईमान में है। ईमान में तो बहुत ज्यादा है। आप अल्लाह वाले हो? हाँ। तो ये आप कुरान को उठाओ और 5 कदम पास। हाँ, मक्के। 1, 2 ये भाई, ये भाई, 4 मक्का इधर है, है? इधर है मक्का। तो जून के महीने में मक्का इधर ही आ जाता है। अरे नहीं, वो मक्का दूसरा बोने वाला होता है। अच्छा। हाँ। पाक इलाही की कसम, पाक परवरदिगार की कसम, आज से पहले मैंने इस औरत की शकल तलक नहीं देखी। लेख बगौर तो देख ले, कदा बाजार बुजुर्ग में मिल गई हूँ। देख, बाजार में बीरबानी मन मिलती नहीं। कदा सपना में दिख गई हो? सपने में भी कोने दिखती बीरबानी। तो आराम जादे, तूने मेरा सत कैसे बिगाड़ा? मैं चाप सिंह की स्त्री सोमवती हूँ। खैर ते मेरी लई रे फसी तोड़ो इसको। बर्ताओं से बहस लगाते हो? अजी नहीं। हुजूर बादशाह सलामत, आप मेरे दोस्त हो। अच्छा, मैंने आपकी पतिवर्ता का इस दुनिया में प्रचार किया है। चाप सिंह के और के पतिवर्ता स्त्री नहीं है, चाप सिंह के जरूर है। ये आपकी पतिवर्ता की पहचान कराई है। तो प्रेमी सजनों, हिंदू दयावान होते हैं, आपको बकस दिया नहीं बेटा, ही नहीं।